जय सियाराम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही हनुमान जी हमारी कथा में उपस्थित होते हैं। जहाँ पर भी श्री राम की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी होते हैं, इसलिए पहले श्री राम की वंदना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वरे राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। भर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। गणेश जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ अभी तक कहाँ तक हो गया हमारा पाठ? गरुड़ जी ने 7 सवाल पूछे थे कागभुशुंडी जी से। कागभुशुंडी जी उनके आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उनके। कागभुशुंडी जी ने लास्ट वाले एपिसोड में क्या बताया? संतों और असंतों के बारे में, कि संतों का जन्म सबके लिए श्रेयस्कर होता है, सबके लिए सुखदायी होता है, और असंतों का जन्म ही सबको दुख देने के लिए होता है। असंत हमेशा दूसरों को दुख दे के अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं, और संत अपना सब कुछ नष्ट करते हैं परंतु दूसरों को सुख देने के लिए। उसके अलावा फिर बताते हैं सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अहिंसा को परम धर्म माना गया है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। उसके बाद क्या बताया कागभुशुंडी जी ने? उसके बाद कहते हैं कि जो देवताओं की और वेदों की निंदा करते हैं उन्हें उल्लू बनना पड़ता है, उन्हें उल्लू का जन्म लेना पड़ता है। और जो मोह रूपी रात्रि जिनको प्रिय होती है उनके लिए सूर्य का अस्त हो गया होता है। और क्या बताते हैं कि जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उन्हें मेंढक का शरीर धारण करना पड़ता है, और बहुत सारे नरक भोगकर दोबारा फिर वो कौवे के शरीर में आते हैं। उसके बाद क्या बताते हैं? फिर वो मानस रोग के बारे में बताते हैं कि लोगों को मानस रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि जो अज्ञानी होता है, मानस रोग हमेशा अज्ञानी व्यक्तियों को होता है, जिसे ज्ञान हो गया उसे कभी मानस रोग लग ही नहीं सकता। और मानस रोग लगने से क्या होता है? फिर काम क्रोध लोभ तीनों चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। और काम क्या होता है? इच्छाएं। और लोभ क्या होता है? उन इच्छाओं की पूर्ति। और अगर पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। प्रीति करहीं जो तीनों भाई उपजई सन्यपात दुखदाई विश्व मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। जय सिया राम। यदि कहीं ये तीनों भाई, तीनों भाई कौन से? वात पित्त कफ। और ये आयुर्वेदा के तीन शब्द भी हैं। कहते हैं कि ये तीनों भाई वात पित्त कफ प्रीति कर लें, अगर ये तीनों मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं, कष्टदायक रोग हैं, उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। इससे पहले एक स्टंजा ये बोला गया था कि सब रोगों की जड़ अज्ञान है, उन व्याधियों से यानी कि उन रोगों से फिर और बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे काम को, इच्छाओं को वात की संज्ञा दी गई है, लोभ को कफ की संज्ञा दी गई है, और क्रोध को पित्त की संज्ञा। कहते हैं अगर ये तीनों मिल जाए, काम क्रोध लोभ तीनों मिल जाए तो क्या होगा? धमाका होगा बड़ा सारा, कि ना तो इच्छाओं की पूर्ति हुई और क्रोध भी इतना ज्यादा आ गया, और इच्छाएं बढ़ती गई क्रोध आ गया, इच्छाएं बढ़ती गई क्रोध आ गया, क्या होगा? धमाका होगा। वही कह रहे हैं अगर ये तीनों मिल जाए तो बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कठिनता से होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही रोग का कारण हैं, तो उनके नाम कौन जानता है, कौन से रोग हैं, अर्थात वे अपार हैं, बहुत सारे हैं वो।
ममता दादू कंडू ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई पर सुख देखी जरनी सोई छई दुष्टता मन कुटी लई। ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। ये मतलब बिल्कुल सीधा सीधा तो वर्णन नहीं है, उपमाएं दे रहे हैं कि जैसे अगर किसी के अंदर ममता ज्यादा है तो दाद के समान है, ईर्ष्या होती है किसी को वो खुजली के समान है कि हमें खुजली हो रही है किसी की अच्छाई देखकर, ऐसे उपाय दे रही हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मदमान नेहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिवेदी ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। अहंकार, अहंकार से तो सब कुछ विनाश हो जाता है। भगवान भी सबको क्षमा कर देते हैं लेकिन अहंकारी को कभी नहीं क्षमा करते। तो दंभ कपट मद और मान नहरुआ यानी कि नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है, उदर वृद्धि रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका कहां लगी कहों कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं अर्थात बुखार हैं ये। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। काग भुशुंडी जी ऐसा कह रहे हैं यानी कि जो हम रोगों को जानते हैं छोटे बड़े, जैसे गले का रोग हो गया, बुखार हो गया किसी को, ठीक है, और अलग अलग रोग उतारे हैं, दाद हो गया, किसी को खुजली हो रही है, इस तरह के बहुत सारे रोग उतारे। कहते हैं कि मैं कौन कौन से रोग गिनाऊं, ये तो बहुत सारे हैं। एक व्याधि बस नर मर ही ए असाधि बहु व्याधि पीड़ ही संतत जीव कहूं सो किमी लही समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। अर्थात अगर किसी को एक बुखार भी हो जाए ना छोटा सा और वो ठीक ना हो रहा हो, एक महीना दो महीना हो गया, तो उसी में इंसान डावाडोल हो जाता है कि अब मैं करूं क्या, किस डॉक्टर के पास जाऊं। और काग भुशुंडी जी कह रहे हैं ये तो अनगिनत रोग हैं और ये अनगिनत रोगों की उपमाएं दी गई हैं हमारे विकारों से, जैसे दाद खुजली, इसका दूसरों से ईर्ष्या करना, इस तरह के इनको उपमाएं दी गई हैं। कहते तो असाध्य और अनेकों रोग हैं, कौन कौन से गिनाऊं मैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करें अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करें। अब कहते हैं कि एक रोग अगर हो जाए तो इंसान इतना तड़प उठता है और ये तो बहुत सारे रोग हैं। इसी तरह जो ये उपमाएं दी गई हैं, अगर एक विकार इंसान के अंदर आ जाए तो वो अनेकों विकारों को जन्म देता है और एक विकार की वजह से ही इंसान पतन की तरफ चला जाता है। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, अगर एक क्रोध का विकार है इंसान में, उस क्रोध से ही इतना कुछ गड़बड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्रोध करने से उसको डिसीजन लेने की पावर उसके अंदर खत्म हो जाएगी और वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है अगर वो क्रोध में है और बाद में पछताता है। इस तरह से एक क्रोध की वजह से बहुत सारा काम बिगड़ गया। कहते हैं कि एक ही रोग इंसान को परेशान कर देता है और ये तो बहुत सारे रोग हैं, यानी कि एक इंसान को क्रोध भी हो सकता है, दूसरों से ईर्ष्या भी हो सकती है और इस तरह के काफी सारे विकार हो सकते हैं। तो नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनी कोटिन नहीं रोग जाहीं हरिजान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। जय सियाराम। अब उन रोगों का निवारण बता रहे थे, कौन कौन से निवारण है कि नियम पर चलना, धर्म पर चलना, अच्छा आचरण अपनाना, तप करना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, जप और दान करना। कहते हैं ये औषधियां तो बहुत सारी हैं परंतु इनसे ये रोग नहीं जाते। कैसे नहीं जाते, अब सोच के देखिए। मान लो कोई बहुत सारा ज्ञान ले लिया किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर अहंकार आने लग जाएगा, तो फिर उसका रोग गया नहीं गया। ज्ञान रूपी औषधि तो ले ली पर उसका रोग नहीं गया, उसका विकार नहीं गया। इसी तरह दान दे दिया, दान बहुत सारा देने से क्या होगा, अहंकार आ जाएगा कि मैंने इतना दिया, मैंने, मैं की भावना आ जाएगी कि मैंने उसको इतना दान दिया, रोग गया नहीं गया। इसी तरह धर्म पर चलने वाला कभी कभी अधर्मी भी हो जाता है तो रोग गया नहीं गया। इस तरह कह रहे हैं कि उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मैं गाए हहीं सबके लखी बिरलेन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस जगत में जन्म लिया हुआ है
उन्हें कोई ना कोई विकार अवश्य है। इस तरह सभी के सभी रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। अर्थात कह रहे हैं कि ये रोग वैसे सबको लगे हुए हैं, कोई ऐसा इनसे अछूता नहीं है। कोई भी इंसान, कोई जीव, कोई भी जिसने यहाँ पर जन्म ले लिया इस जगत में, इन रोगों से कोई भी अछूता नहीं है। अर्थात हर किसी में कोई ना कोई विकार अवश्य होता है, परंतु उन विकारों को जो कोई जान ले ऐसा कोई विरला ही होता है। अब एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल गई हमें सेंटेंस से। हमने आज ये बातें पढ़ी और आपने सुनी, यानी कि हम इन रोगों को जान गए हैं, इन विकारों को जान गए हैं, अर्थात हम विरले हो गए। कैसे हो गए? तब होंगे हम विरले अगर हम इन विकारों को दूर कर लें अपने आप से। और अगर ये विकार दूर हो गए तो तीन प्रकार के जो होते हैं ना, सत, तम और रज, तीन तरह के गुण होते हैं। अगर हम ये विकार अपने दूर कर लें तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे और भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो आज का जो ये एपिसोड था, इसमें हमें विरला बनना है। जितने भी विकार गिनाए गए हैं इनके बारे में जान तो गए, अब इन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है, तभी हम विरले होंगे और भगवत धाम जाने के अधिकारी होंगे। जय सिया राम। सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण।